गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस और कंप्लीट योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट ए एंड डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग अ टास्क डन और द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट. तो डैश में फिल करेंगे एल्गोरिथम. सेकेंड पार्ट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट टू डू एवरी डे टास्क. थर्ड, एन एल्गोरिथम शुड ऑलवेज बिगिन विद एन स्टार्ट. डी, एन फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. सो यू शुड कंप्लीट दीज फिल इन द ब्लैंक्स. सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ ट्रू फॉल्स. टी फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट, एफ फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट. फर्स्ट, ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन. ट्रू, द इनपुट वैल्यूज कैन बी प्रोवाइडेड आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम. फॉल्स, अ डायमंड रिप्रेजेंट्स प्रोसेसेस. फॉल्स, अ सर्कल इज यूज टू कनेक्ट वेरियस सेक्शंस ऑफ अ फ्लो चार्ट टूगेदर. ट्रू, arrows are used to connect boxes in a flowchart. False. Third question, tick the correct option. An algorithm should always start with this word, start. What is a flowchart symbol? A pictorial representation of algorithm. It shows a connection between functions. It shows a sequence of functions. All of these. So fourth option, all of these. How many flow lines can come out of a decision box? Two. Tick karenge two par. Which symbol is used to state a condition? Diamond. So student, you should complete your exercise in your book, computer book.